हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चिरंजीव और आज के इस वीडियो पे मैं अपनी बाइक होंडा हॉर्नेट 160R का कार्बोरेटर ट्यूनिंग करके दिखाने वाला हूँ एक नए टेक्निक के साथ। आशा करता हूँ आपको ये टेक्निक पसंद आएगा और अपनी कीमती राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही मेरी होंडा हॉर्नेट, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक एलन की और एक स्क्रू ड्राइवर, थोड़ा लंबा होने से अच्छा है, जिसमें आगे थोड़ा माइनस वाला पॉइंट हमको चाहिए होगा। तो ये दो चीज़ हमें चाहिए होगा। तो चलिए फर्स्ट हमें ये कवर निकालना पड़ेगा। कवर निकालने के लिए हमको ये स्क्रू, ये एलन की जो बोल्ट है इसको खोलना पड़ेगा। इसके बाद एक लॉक है यहाँ पर, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे एक लॉक है, ये वाला लॉक को हमें खोलना पड़ेगा। और एक अंदर एक लॉक है, ये वाला, ये दो लॉक हमको खोलना पड़ेगा। उसके बाद तो ये कवर को खींचने से ये निकल आएगा बाहर। तो मैं ये खोल लेता हूँ। हमने कवर खोल लिया इसका। तो कवर खोलने के बाद हम लोग का जो फ्यूल एयर मिक्सचर का जो स्क्रू है वो इसका थोड़ा अंदर है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला इसके नीचे, ये वाला, ये गोल्डन कलर जो आपको दिख रहा है, ये है आपका फ्यूल एयर मिक्सचर। इसको हम लोग को यहाँ से हम लोग को वो करना पड़ेगा, यहाँ से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमको तो इंजन को थोड़ा वार्म अप कर लेना पड़ेगा। मैं इसको चला के आया हूँ, इंजन अभी भी बहुत गर्म है, तो इसको पहले वार्म अप कर लेना पड़ेगा नियरली एक दो किलोमीटर चलाने के बाद। उसके बाद हम लोग ये कवर खोल लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं। मेरा बाइक अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 12,000 किलोमीटर हो चुका है। अब अभी ये अगर आपका नया बाइक है तो आप उसे अभी ट्यूनिंग मत कीजिएगा। जब आपका 10,000 किलोमीटर हो जाए उसके बाद आप ट्यूनिंग कीजिए, तब अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरा RPM अभी यहाँ पर है, वन से थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को थर्ड नंबर गियर पे लगाना पड़ेगा बाइक को। अभी मैं अपना क्लच दबा के थर्ड नंबर गियर पे बाइक को लगा लेता हूँ। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अभी थर्ड नंबर गियर पे मैं लगा लेता हूँ और अपना RPM इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने के लिए हमको ये यहाँ पे स्क्रू एक होता है, ये वाला, ये आइडलिंग को बढ़ाने के लिए होता है ये। तो इसको मैं अभी इंक्रीज करूँगा और 3000 RPM तक लेके जाऊँगा। बस 3000 RPM तक लेके जाऊँगा और मेरा यहाँ पे टायर घूम रहा है, यहाँ पे 3000 RPM पे मैं अभी 29-30 के स्पीड में घूम रहा है। ओके, तो अभी ये करने के बाद अभी हम लोग को ये स्क्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। तो राइट की तरफ टर्न करके देखना है, राइट की तरफ टर्न करने से आपका जो स्पीड है वो स्पीड इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। आपका 30 तक अभी पहुंच गया, 30-31 में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आपका अगर वो राइट की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो आपको फिर लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करना है। ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके रोटेट करना होगा उसको। और जैसे आप देखेंगे कि स्पीड बढ़ रहा है तब आपको पता चलेगा हाँ आप परफेक्ट जो सेटिंग है उसके पास है। तो अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ।
साउंड से भी आप पता लगा सकते हैं, साउंड से भी पता चलता है कि वो कम रह पड़े हैं। मेरा अभी उसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं फिर अभी लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ। अभी मैं जैसे लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो गया। अभी 30 से 30-31 में फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी 32-33 में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैं अभी इसे और थोड़ा लेफ्ट साइड को टर्न करूँगा। अभी आप देख सकते हैं 34 पे पहुंच गए हैं, 35 पे पहुंच गए हैं। और इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो है, हाँ ये यहाँ पे 34-35 में फ्लक्चुएट होने लगा, उसके बाद घटने लगा। हाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लोग का ये 35 पे रुका हुआ है, 35-36 पे रुका हुआ है। तो ये जो पॉइंट है हम लोग का, ये इसमें सबसे अच्छा जो रेशियो बन रहा है का, वो जो इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे हम लोग का अभी ये हो गया है। अभी ये हम लोग का परफेक्ट ट्यूनिंग हो चुका है, 35-36 पे हो गया है। अभी हम लोग को ये जो हम लोग का स्क्रू है, उस स्क्रू को फिर से लूज कर देना, तब फिर ये आइडल हो जाएगा। और उसके पहले हम लोग को बाइक को न्यूट्रल कर लेना पड़ेगा, तो मैं अब इसे न्यूट्रल कर देता हूँ। तो ये अभी न्यूट्रल हो गया है, अभी न्यूट्रल हो गया, अभी मेरा स्पीड भी जीरो हो जाएगा, स्पीड भी जीरो हो गया। तो अभी मैं इसको आइडल को एडजस्ट कर लेता हूँ। आइडल मेरा अभी आ गया है, अब देखिए देख सकते हैं जैसे आइडल मेरा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अब मैं पूरा 1 में रख रहा हूँ, 1000 आरपीएम पे, बस 1000 से थोड़ा बढ़ा के रख रहा हूँ बस। अब देख सकते हैं आप अभी इंजन का रेस्पॉन्स देख सकते हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है इंजन अभी, और थोड़ा भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है आप जैसे देख सकते हैं। 1100 आरपीएम पे पूरा रुका हुआ है, 11000 आरपीएम पे। तो ये हो गया हम लोग का, अभी पूरा परफेक्ट भी ट्यून हो गया। आप अभी इंजन का साउंड भी सुन सकते हैं, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कुछ अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।